प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय, यानी यहाँ परिमेय अपरिमेय का पहचान करना। तो पहला जो दिख रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी अपरिमेय है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी अपरिमेय होगा, ठीक। चलिए उसी तरह देखिए तीसरा, देखिए तीसरा भी आपका क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। चौथा देखिए, चौथा ये √5 √5 कट जाएगा तो आ जाएगा परिमेय, पांच बच गया ना, तो ये परिमेय हो गया। चलिए और पांचवा जो है ये अपरिमेय है, अपरिमेय। छठा जो है, छठा छठा देखिए पाई दे दिया, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय, ठीक है। -2 से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। सात नंबर, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है। तो ये पहचान करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। एक करके चलिए देखा जाए, पहला x² बराबर दिया है 5, तो स्क्वायर जाके उधर रूट लगेगा और रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है। ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय है, तो पहला अपरिमेय को निरूपित करता है, है ना। कह रहा है कि परिमेय संख्या को निरूपित, तो पहला नहीं करेगा ना परिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय को निरूपित कर रहा है। दूसरा x² बराबर 16/9, स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा और रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर है ऊपर, ये 4/3, तो ये तो परिमेय को निरूपित कर रहा है ना, परिमेय, इसका हल परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा x माइनस रूट थ्री, चलिए इसको अलग अलग करना होगा आपको, फैक्टर करने है ना, ये x+√2 = 0 और x-√3 = 0, इंटू नहीं करिएगा इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट अलग अलग कर दीजिए। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -√2 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा √3, तो एक आ गया x का मान -√2 और एक आ गया √3, तो दोनों तो अपरिमेय है ना, अपरिमेय के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पांचवा को यहाँ देखा जा सकता है, चौथा भी आप बना सकते, चौथा तो इजी है, इसको भाग में भेज देना है। चलिए इसको बता देते, चौथा भी बता देते आपको, 3x² = 9, ये ले जाएंगे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा x² = 3 हो जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा √±3 है ना, +√3, तो ये भी तो अपरिमेय है, अपरिमेय, इसको लिख सकते हैं आप अपरिमेय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फाइव नंबर, फाइव नंबर में बस √3 को इधर भेज देना है। फाइव नंबर में क्या करना है, x बराबर है ना √3 x = क्वेश्चन में है 3/4, तो x बराबर हो जाएगा 3/4√3, इतना भी छोड़ सकते हैं या परिमेयकरण भी आपको बताया है वो भी कर सकते हैं, यानी किस तरह से परिमेयकरण होता है, तो याद है आपको नीचे √3 है तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। x बराबर आ जाएगा 3√3/4, √3 में √3 × 3, यानी आ गया √3/4, उसका कोई जरूरत नहीं था ऐसे करना, इतना भी ठीक है क्योंकि ये भी अपरिमेय ही दिखा रहा है और यहाँ भी अपरिमेय ही आ रहा है, ठीक है। ये तो आप बना लीजिएगा इसके जैसा। देखिए सात नंबर देख लेते हैं, x+1 का² = 6, स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा और रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस का 1 है उधर जाके -1 +√6, यानी यहाँ x का 2 को माना गया, एक -1 + √6, एक आया है -1 - √6, तो दोनों तो अपरिमेय को ही निरूपित कर रहा है, ठीक है, ये भी अपरिमेय को ही दर्शा रहा है। सात आठ नंबर जो है थर्ड नंबर जैसे बना देंगे हम लोग, यानी आपको यहाँ से ये पता चल गया कि पहला जो था अपरिमेय को निरूपित कर रहा था, है ना, तो आपको यहाँ सिर्फ बताना है कि परिमेय संख्या को कौन निरूपित कर रहा था, तो सेकेंड नंबर हुआ था, है ना, उसके बाद आपका ये बनाइएगा तो आ जाएगा 6 नंबर आएगा, बस यही दो आएंगे,
ठीक है, बाकी कोई नहीं आएगा, सब अपरिमेय ही हैं, यही दो है जो परिमेय को निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 उसका जस्ट उल्टा है। इसमें बताना है कि कौन किसका हल जो है इस समीकरण सब में, किसका हल अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो जैसे पहला आपको बताया थे पिछले क्वेश्चन में भी था, इसको यहाँ भी देख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर 5, यानी कि ये अपरिमेय को दर्शा रहा है, अपरिमेय को। सेकेंड भी आप देख सकते हैं ये परिमेय को दर्शाएगा, आपको बता चुके हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं इसको भी। थर्ड देखिए, थर्ड भी बना देते हैं, ऐसे आप भी बना सकते हैं, x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 49/16, x माइनस 1 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 49/16, और यहाँ लग जाएगा बाहर प्लस और माइनस, यानी x माइनस 1 बराबर यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 7/4। ठीक है, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, प्लस माइनस 7/4। इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं आप, x बराबर 1 प्लस 7/4 जोड़ दीजिए, यहाँ से एक आ जाएगा x बराबर 1 माइनस 7/4। तो दोनों कंडीशन में सॉल्व करिएगा तो ये अपरिमेय आना नहीं है, ये क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी अलग अलग कर सकते हैं ना, चार नंबर को x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0 अलग अलग करिएगा, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस 1 और x बराबर यहाँ से प्लस 1, तो ये आपको परिमेय आ गया ना, ये भी परिमेय आ गया। ठीक, तो आपको पूछ रहा है इसमें कि कौन सा हल अपरिमेय संख्या को, तो पहला व्यक्त करेगा, उसके बाद आपका व्यक्त करेगा, देखिए ये वाला व्यक्त करेगा पांचवा, यही दो पहला और पांचवा, बाकी तो इसमें बना सकते हैं, सरल क्वेश्चन दिए गए हैं। चार नंबर में क्या करना है कि प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिसका, है ना, जिससे उनका योगफल परिमेय संख्या हो जाए, है ना, परिमेय संख्या हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है कि दो ऐसे उदाहरण देने हैं, किसके, तो दो ऐसे अपरिमेय संख्या के उदाहरण देने हैं जिसका योगफल क्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको पहले भी बता चुके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह से आप पढ़े हुए हैं कि दो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय होता है, लेकिन आप ये देखे थे अलग अलग कंडीशन आपको बताए थे ना, याद होने चाहिए आपको, जैसे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसे बहुत सारे नियम आपको समझाए थे, तो उसी कंसेप्ट पे सारे बनेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है कि योगफल परिमेय संख्या है, ऐसे दो अपरिमेय संख्या बतानी है जिनका योगफल क्या हो जाए, परिमेय हो जाए। तो मान लीजिए एक माइनस का रूट 3 लेते हैं और एक प्लस का रूट 3 लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना था कि ऐसे दो अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय है, इसका योगफल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो जो है एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या करना है कि दो ऐसे अपरिमेय संख्या बतानी है जिनका योगफल अपरिमेय संख्या हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2√3 और प्लस √5 ये जो है अपरिमेय हो जाएगा। तो उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस √3 और एक कॉमा में √3, दूसरे का किस तरह से लिख सकते हैं, 2√3 और √5, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर परिमेय संख्या हो, अंतर क्या हो, परिमेय संख्या, तो ठीक है आप देख लीजिए √3 और माइनस √3, अंतर जीरो आ रहा है कि नहीं, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक √3 है और एक और दूसरा भी √3 ही लेते हैं। ठीक है, अंतर परिमेय संख्या होने का मतलब दोनों सेम लेना होगा। चलिए तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं, अंतर अपरिमेय संख्या, अंतर अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए एक 2√3 ले लिए, एक सिंपल √3 ले लिए, घटाइएगा तो आ जाएगा आपका √3, तो ये अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं, अंतर। तो यहाँ से उदाहरण ये दो हो गए कि 2√3 और एक √3 लिए, अंतर आपका √3 आ गया। पांच नंबर, गुणनखल परिमेय संख्या, मतलब ऐसे है ना, जैसे मान लीजिए एक 2√3 लिए और एक ले लिए √3, ये भी देख लीजिए √3 हो जाएगा 3 और 3 2 आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ से आप उदाहरण ये दो हो गए 2√3 और √3, ताकि इनका गुणनखंड क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह पांच के बाद छह नंबर देखिए, गुणनखंड अपरिमेय हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2√3 और 2√2 देखिए गुना करके देखिए आपका 4√6 है, अपरिमेय हुआ कि नहीं, यानी कि यहाँ दो उदाहरण हम ले लिए हैं, 2√3 ले लिए हैं और 2√2 लिए, ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के कई सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं।
भागफल परिमेय से क्या हो, भागफल क्या हो, परिमेय हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 2√3 लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए √3, भाग करेंगे √3, √3 कट जाएगा आपका, 2 ही ना बचेगा, यानी कि ये यही एग्जांपल होगा 2√3 और √3, ऐसे एक ही हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर देखिए, भागफल अपरिमेय हो, कोई दिक्कत नहीं, एक 4√6 ले लिए, एक √5 ले लिए, भाग करेंगे, ये अपरिमेय ही है, यानी कि इसका उदाहरण हो गया आपका 4√6 और √5, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे जिनका गुणनखल परिमेय संख्या हो जाए। ये देखिए आप सोच रहे होंगे, तो इसका बहुत ही सरल है, परिमेय संख्या आप 0 ले लीजिए और अपरिमेय कोई भी ले लीजिए, 2√3 ले लीजिए, तो ये आपका परिमेय है, ये आपका जो है संख्या ये परिमेय है, और ये क्या हो गया अपरिमेय, और दोनों को अगर गुणा किया जाए 0 में 2√3 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं, ठीक है। तो यही आपको उदाहरण बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या करना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें, है ना, हर एक को सरल करना है, हम जैसे 2 लिए हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो सिंपली आप इसको क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको पहले भी सिखा चुके हैं, 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, घट जाएगा आ जाएगा 20, क्लियर हो गया, बहुत सरल है। देखिए इसमें क्या करना होगा, 5 को लिखेंगे, इसके साथ ये दोनों टर्म लिखिए 2 प्लस √5, उसी तरह √7 लिखिए और इसके साथ लिखिए 2√5 और इंटू करिए, सिंपल यहाँ से इनसे इंटू करेंगे 10, इसमें से इंटू करेंगे 5√5, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये रूट वाला है, ये रूट के अंदर इसके बाहर गुना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अंदर और बाहर गुना इस तरह से किया जाता है, 5√5 लिखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे 3 फॉर्मूले याद रखेंगे कि रूट ए में अगर रूट बी से कर रहे होंगे तो रूट ए भी आप लिख दीजिएगा इस तरह से। दूसरा है आपको, अगर एम रूट ए में एन रूट बी से करना होगा तो एम एन में गुना करेगा और ए बी में, मतलब रूट के बाहर वाले टर्म से गुना करता है अंदर वाले अंदर से, तो उसी के हिसाब से ये 5 है और ये √5 है, तो इसमें इंटू करेंगे तो 5√5 लिखिएगा, ठीक, यहाँ इंटू करिएगा तब 2√7 लिखिएगा, ये नहीं कि 7 × 14 कर दीजिएगा, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे, रूट के अंदर है ये रूट के बाहर है, गुना नहीं होगा, ये रूट वाला नहीं है, ये करनी है ये करनी में नहीं है, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। इसमें से करेंगे तो देखिए दोनों रूट के अंदर है, तो आप सिंपली √35 लिख सकते हैं, समझिए। चलिए तो यहाँ से ये, अब देखिए एक और चीज कि अगर इसको जोड़ना होगा तो यहाँ √5 है, √7 है, √35 है, तो सब अलग अलग है और यहाँ आपका करनी में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों अपरिमेय है और ये परिमेय है और अपरिमेय में भी रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, इसलिए आप उसको जोड़ नहीं सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, और भी 4 क्वेश्चन है, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे बन जाएगा और 5 भी बन जाएगा। 6 नंबर देख लीजिए, 6 भी सरल है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ फॉर्मूला आपको बता ही रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b + b², ठीक है, स्क्वायर से रूट यहाँ हटेगा, यहाँ भी हटेगा, ये 3 है और यहाँ 7 है, तो ये 10 हो जाएगा ना, 10 + 2√7 = 21, ठीक है, है ना, समझ गए इसको, या फिर आप इसको 2 बार लिख के गुना भी कर सकते हैं, किस तरह से, तो √3 + √7 √3 + √7 इस तरह से लिख दीजिए, अब इसमें इन दोनों के साथ, यानी कि आपको पहले ही बताया है √3 √3 + 7 और +√7 √3 + 7, इसमें से इंटू करिएगा तो आएगा 3, ठीक है, इसमें से इंटू करिएगा तो आएगा √21, यहाँ भी √21 और यहाँ √7 में √7 से 7 7 3 कितना हो जाएगा 10 और √21 √21 2√21, ठीक है, क्योंकि ये बाहर कुछ नहीं तो 1 है दोनों के आगे, ठीक है, तो 1 1 2√21 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, निम्नलिखित को सरल करना है, यहाँ जोड़ घटाव दिया गया, ठीक है, तो आप याद रखेंगे करनी वाले जोड़ घटाव में करनी समान होनी चाहिए, करनी घात समान होना चाहिए, ठीक है, करनी घात भी समान होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है ना, तब ये क्लियर है, आपको इसको जोड़ सकते हैं, तो पहले को 5 और 4 सिंपल जोड़ दीजिए, 9√2। दूसरा क्वेश्चन √7 है, यहाँ भी √7 है, देख रहे ना, तब इसको आप जोड़ सकते हैं, 5√7। क्वेश्चन नंबर 3 घटाना है, √3 है, यहाँ भी √3 है, ये आ जाएगा 3√3, ठीक, यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो 5 4 9 9 में से 3 गया, बताइए तो
नौ, 5 + 9 हुआ और 9 में से 3 गया 6, 6 root 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए यहाँ यहाँ करनी में यहाँ देखिए 3 है ना करनी का, तो ये तीनों जगह दिख रही है सेम है ना, और यहाँ भी √5 √5 √5 है, ठीक है, अंदर भी सेम है और यहाँ करनी घात भी सेम है, तब ये घट जुड़ेगा घटेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 है और ये 7 है, जोड़ना होगा तो 8 और 7 होगा 15, 15 में से 13 जाएगा तो जाएगा 2 √5, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में देखिए यहाँ तो 5 √3 है, लेकिन यहाँ देखिए गड़बड़ कर दिया है, √27 है ना, तो जोड़ने के लिए यहाँ भी √3 होना जरूरी है। तो आप देखिए क्या करिएगा, ये √27 को आप 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, चलिए 5 √3। अब देखिए ये अंदर जो है पेयर बनेगा तो बाहर आके इंटू करेगा ना, ये 3 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर 3 बजेगा, ये तो पेयर बाहर निकल गया, 5 √3 + 6 √3 तो कितना हो जाएगा 11 √3। तो देखे ना यहाँ सेम करना पड़ा तब आप इसको जोड़ पाए हैं, ठीक है। तो जोड़ने घटाने के लिए करनी सेम होनी चाहिए और करनी घात भी सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह सरल ही करना है, लेकिन देखिए इसके अंदर सब यहाँ रूट के अंदर है ना सब भिन्न भिन्न है, इनको सेम करना होगा तभी आप ये बना सकते हैं। ये 4 √3 है, एक यहाँ है −3 √12 + 2 √75। चलिए इसको ठीक करते हैं, 4 √3 − 3 √12 है ना, तो इसको एक काम करिए आप लिखिए 2 × 2 × 3 इंटू में लिख सकते हैं ना इस तरह से +2, इस 75 को लिख दीजिए 5 × 5 × 3, ठीक है। चलिए यहाँ पेयर बन रहा है ना, चलिए बाहर निकल जाएंगे, ये तो है 4 √3, यहाँ ये बाहर निकलेगा तो इसे इंटू कर जाएगा 6 √3। उसी तरह यहाँ भी अगर ये बाहर निकलेगा तो इसे इंटू कर जाएगा 10 √3। तो देखिए इसमें प्लस वाला ये पहला टर्म है और लास्ट वाला है, तो दोनों जोड़ दीजिए तो 10 और 4 = 14, 14 में से 6 गया है ना, देख रहे हैं ना 10 और 4 = 14, 14 में से 6 गया 8, तो 8 √3, क्योंकि देखिए रूट के अंदर सेम आ गया ना यहाँ पे, इसलिए आप ये जोड़ घटाव कर पाए, ठीक। उसी तरह सेकंड को भी करना होगा, थर्ड को भी इसी तरह पेयर बनाना होगा, तो सेकंड का भी आप इसी तरह पेयर बना के कर सकते हैं। सेकंड भी देख लीजिए, √8 + √32 − √2। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा √2 है, तो ये सब भी √2 √2 लाना होगा। 8 को तोड़िएगा तो 2 × 2 × 2 होगा, और 32 को तोड़िएगा तो 2 × 2 = 5 बार लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पेयर बनने से आपको मतलब है ना, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, तो ये 2 √2 ये हो जाएगा 4 √2, 2 के टर्म में भी तोड़ते तो यही आता 4 √2 ही −√2। तो देखिए ये दोनों प्लस का है, जोड़ दो 4 × 2 = 6, ठीक है, और 6 में से 1 √2 घट जाएगा तो 5 √2 आ जाएगा। उसी तरह थर्ड भी है, 3 नंबर में भी आप क्या करिएगा, जैसे 192 है ना, तो आप ये 2 से ले जा सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से 8 × 8, इसको 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, × 3 देख लीजिए 8 × 8 = 64, 64 में 3 से गुना करिएगा 192 आ जाएगा। −1/8 इसको भी उसी तरह, सॉरी 1/2 है, 1/2 इस 48 को ऐसे लिख देते हैं 4 × 4 = 16 और 16 = 48। उसी तरह 45 को लिख देते हैं 5 × 5 × 3, पेयर बन रहा है ना, हम पेयर बना है डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 8 √3 − 1/2 × 4 √3 − 5 √3, इसको काट सकते हैं है ना दो बार में, तो देखिए 8 हुआ 8 √3 और ये दोनों जो है माइनस के हैं, तो 5 × 2 हो जाएगा 7 √3 और घटा दिए तो आ गया √3, क्लियर हो गया, ये दोनों माइनस का इसलिए जुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 √2 5 √3, ब्रैकेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, प्लस है बीच में, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 और 1 = 3 √2 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √3 वाला ना, तो यहाँ से 5 में से 3 गया 2 √3। अब इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, 6 √5 और इंटू करना है 2 √5 से, तो आपको पहले भी सिखा चुके हैं 6 × 2 = 12 और √5 में √5 से गुना होगा तो आ जाएगा 5, 12 × 5 = 60। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि भाग करना है आपको, तो 8 √15 में भाग करना है 2 √3 से, सिंपली इसको इससे काट दीजिए 4 बार में, इसको इससे काट दीजिए √5 है ना, यानी आ गया आपका 4 √5, समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि निम्नलिखित में
प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी मतलब कि इसको ये परिमेय संख्या में बदल दे, तो अगर इसमें रूट टू से गुना करें तो परिमेय संख्या बदल जाएगा, यही इसका आंसर। सेकंड का भी रूट टू होगा, थर्ड का तो रूट सेवन होगा तभी ये सेवन आएगा, और आपका फोर नंबर है रूट फिफ्टीन, रूट फिफ्टीन मतलब यहाँ थ्री और फाइव, ठीक है, तो आपको यहाँ रूट फिफ्टीन ही लेना पड़ेगा इसको परिमेय में बदलने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी 11 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है कि एबीसी परिमेय संख्या है तो इसके भी परिमेयकारी गुणांक निकलना है। पहले का परिमेयकारी गुणांक क्या हो सकता है, देखिए यहाँ 5 है यानी अंदर ए 5 बार होना चाहिए, का पावर 5 होना चाहिए, तब वो पेयर बन के बाहर निकलेगा, तभी वो परिमेय संख्या में बदलेगा, यानी आपको अगर ए क्यूब और उसमें रहे तो काम बन जाएगा। ठीक, उसी तरह बी स्क्वायर भी साथ में होना चाहिए और सी होना चाहिए, सी का पावर 1 यानी सी होना चाहिए, अगर ये संख्या इसमें गुणा कर ले तो ये परिमेय संख्या के रूप में बदल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लगाना होगा यहाँ रूट और यहाँ 5 लिखना होगा, तभी ना आपका ये, ताकि ये इसमें गुना करेगा तो क्या बदल जाएगा परिमेय संख्या में। दूसरा उसी तरह यहाँ भी है, 9 ले लेंगे और ऐसे रूट लगा लेंगे, अगर ए का पावर 7 हो, बी का पावर उसके साथ और कितना होना चाहिए तो 5 होना चाहिए और सी एक और बार होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या में बदल सकता है। समझ रहे ना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें, है ना, मतलब हर का परिमेयकरण करना है। पहला यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ये आपको लिखना होगा क्वेश्चन में, परिमेयकरण करने पर हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, जब भी परिमेयकरण करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो 1/√2 में परिमेयकरण करने के लिए रूट टू पर भी और नीचे भी, आपका आ जाएगा ऊपर रूट टू और नीचे रूट टू हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह दूसरा भी आप बना सकते हैं, दूसरा को 1/√12 है तो इसको पहले आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको सिंपल बना सकते हैं, पहले 1/ इसको तोड़ लीजिए पेयर बना के, आप 2 × 2 × 3 यानी 1/√3 हो जाएगा ना पेयर बनकर, तो अब इसको परिमेय संख्या बदल के √3 से ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर √3 और नीचे आ जाएगा 2 × ये √3 क्या हो जाएगा आपका 3 यानी √3/6 हो जाएगा, समझ गए। चल ठीक है, उसी तरह अगर इसमें का थर्ड बनिएगा तो इसमें क्या करना होगा थर्ड में, तो आपको उसी तरह यहाँ 2√7/√11 इसमें भी आपको लिखना होगा हर का परिमेयकरण करने पर, √11 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो आ जाएगा 2√77/11। उसी तरह 4 बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसको परिमेय बनाकर लिखना है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या करना होगा आपको √2+1 इसमें लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे, आप हर क्वेश्चन में लिखिएगा, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, ऐसे अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए परिमेयकरण किस तरह से करेंगे, तो 1/√2+1 है आपका, इंटू करेंगे √2-1 ऊपर भी और √2-1 नीचे भी, ऊपर 1 में इंटू होता है √2-1 और नीचे हो जाएगा आपका a²-b²। हर क्वेश्चन में यही आपको करना होगा, साइन बदल के आपको पहले भी समझा चुके हैं, जब प्लस में इसलिए यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, ये प्लस वाले में आपको किस तरह इंटू करना होगा, √5-√3 और √5-√3 और इसको बनाएंगे, आप बाकी बना सकते हैं, आगे इसको देख लेते हैं, √2-1, √2 का स्क्वायर होगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, नीचे तो 1 ही आएगा तो 1 को लिखना तो कोई जरूरी है नहीं, है ना, तो हो जाएगा √2-1 आपका आंसर, बाकी सब इसी बेस पे है, आप उसको बना सकते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखना है, तो देखिए बहुत ही इजी है, 48 है, इसका प्राइम फैक्टर करिएगा सबसे पहले, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 24 2 से करेंगे आपका, फिर आएगा 12 2 से करेंगे, आएगा आपका 6 2 से करेंगे, आएगा आपका 3, यानी 48 जो है रूट अंडर वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 पेयर बन गया आपका, तो 2 × 2√3 यानी ये आपका हो गया 4√3, इस तरह से आपको बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर इसको 30 समझ लीजिए, बहुत ईजी है, इसको आप बना सकते हैं, 3√72, तो 72 का फैक्टर करिएगा, ठीक है, तो 72 का करिएगा तो आएगा 2 × 2 × 3 × 3 यही आएगा आपका, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, 36 × 2 = 72, इसका पेयर आप बना लिए, यहाँ पेयर बन गया, ये 2 √9 ऐसे लिख सकते हैं, या एक और काम इसमें कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे इसको 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × एक और 3 दे दीजिए और इंटू में 1/3 दे दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, तो ये पेयर बन जाएगा यहाँ से,
तो ये दो और तीन दोनों निकलेगा, यानी 6 3 रूट अंडर 1/3, इसको इस तरह से भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। बाकी तो इसी तरह का क्वेश्चन है, ये बटा वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी इसी तरह बना सकते हैं, ऊपर वाले का ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले का नीचे करके पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए ये देख लेते हैं बटा वाला ही, 9 नंबर। ठीक, दिया है 112 और नीचे है 45। कटने का तो कोई सवाल नहीं है, अगर कटता है तो हम काट सकते हैं। ठीक है, अगर ये कटने वाला होगा तो आप काट सकते हैं। ऊपर 112 है, ठीक, तो आप उसको करिएगा ऊपर, तो आएगा ये 2 गुना 2 गुना 23। आप करके देख सकते हैं, 112 है ना, या करके देख लेते हैं। 2 से आएगा 5 बार में 6 बार में, 2 से करेंगे, सॉरी ये 2 2 2 गुना 4, और यहां से आ जाएगा 2 8 16, सॉरी 28 आएगा ना यहाँ, तो 28 आएगा तभी और कटेगा ये। ठीक है, इसको इरेज करके आपको लिखना होगा। तो यहाँ फिर अभी 2 से और ले जा सकते हैं, यहाँ पे 2 से, ठीक है, आ जाएगा आपका 14, फिर 2 से ले सकते हैं 7। ठीक है, आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 7, 7 14 28 56 56 112। यहाँ 45 का करिएगा तो 3 × 3 × 5, यहाँ पेयर बन गया। ठीक है, तो ये 2 और 2 2 2 4 बाहर निकल गया, और यहाँ से 3 बाहर निकल गया, अंदर रूट अंडर आ गया 7/5। ठीक है, तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सबको बदल सकते हैं, सरलतम रूप में बदल सकते हैं। जैसे ये 5 वाला है, यहाँ 5 दिया है ना, तो अंदर 5 पेयर आपको बनाने होंगे, 5 का एक पेयर बनेगा हमारा, 5 5 का बनेगा। ठीक है, 5 5 का, 5 5 एक बार में निकलेंगे बाहर। जैसे इसमें 3 का बनाए थे ना, ये जैसे 72 वाले में देखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में ये सब दिए हैं, इनके हर का परिमेयकरण करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट आपको बता चुके, सेकंड देख लीजिए, सेकंड भी इजी ही है, फिर भी आपको बता देते हैं। 1/7 + 3√2 आपको परिमेयकरण करना है, तो 7 − 3√2 ऊपर भी इंटू करेंगे और नीचे भी। ऊपर 1 में इंटू होगा तो 7 − 3√2, और नीचे हो जाएगा आपका a² − b². ठीक, 7 − 3√2, 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। नीचे घटा लीजिए, 7 − 3√2 और नीचे आएगा 1 3 31। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें का सेकंड भी समझ गए, थर्ड इजी ही है, फोर्थ एक बार देख लेते हैं, फोर्थ भी देख लीजिए और एक दो और आपको उसमें बता देंगे। 4 नंबर में दिया है 6/3√2 − 2√3, आपको इंटू करना होगा 3√2 + 2√3, ऊपर भी और नीचे भी 3√2 + 2√3, समझ गए। ऊपर इंटू करिएगा तो इंटू नहीं करेंगे, सबसे पहले आप उसको इंटू में इस तरह से लिख दीजिए। ठीक, यहाँ तो 1 हुआ करता था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ 6 है तो इसको इस तरह से पहले आप लिख दीजिए। इस तरह से लिखने के बाद नीचे देखिए एक बार, प्लस में माइनस में है, तो यहाँ तो वही फॉर्मूला लग रहा है जो हर एक में लग रहा है, a² − b² क्लियर। चलिए इसके बाद आप ऊपर वैसे ही रहने दीजिए अभी, क्योंकि आगे चल के कटना होता है, अगर कटना होगा तो कट जाएगा। चलिए नीचे हो जाएगा 3 का² 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 = 18, यहाँ 2 का² होगा 4 और √3 का² होगा 3, तो 4 × 3 = 12 इसको लिखा जा सकता है। नीचे घटेगा तो 6 आ जाएगा ना आपका, तो इसीलिए कहे थे कि पहले ऊपर गुना नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, 6 6 कट गया, यानी आपका आ गया 3√2 + 2√3। एक बात इसमें, एक और बात आपको बता दें, ये जो गुना कर रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं ना स्क्वायर किस तरह से निकाल रहे हैं, यहाँ 3 का² हो जा रहा है 9 और √2 का² हो जा रहा है 2, इसलिए हम 18 यहाँ लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखा जा सकता है इसमें का, 6 नंबर देख लीजिए आप, 5 + √6 है और नीचे है 5 − √6, इधर स्लाइड करेंगे इसी तरह 5 + √6 ऊपर भी, क्योंकि नीचे माइनस में है तो ऊपर भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में, ऊपर ऊपर इंटू कर सकते हैं तो इंटू कर देते हैं, यहाँ पे सीधे इंटू भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में रखा जा सकता है इस तरह से, इस तरह लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, नीचे देखिए a² − b² हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए ऊपर इंटू करिए, 5 5 = 25, 5 में √6 है तो हो जाएगा 5√6, अब √6 में 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5√6 और √6 में √6 से करेंगे तो आ जाएगा 6, इंटू की है ना, 5 का² 25 और √6 का² 6, यानी 25 और 6 कितना होता है 31 और 5 5 10√6,
और बटा में आ जाएगा आपका, यहां से घटा दीजिए तो 19, समझ गए। चलिए उसी तरह एक 8 नंबर देख लेते हैं, बाकी बना लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसी तरह आपको क्या करना होगा कि इनटू करना होगा, नीचे जैसे देखिए माइनस में ना, तो नीचे वाला ही टर्म ऊपर लिखेंगे, बस प्लस में करना, यानी उसका संयुग्म याद है ना आपको, 3√5 + 2√6 इस तरह से इनटू हो गया, सेम ही बस उसका यहाँ माइनस में तो यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, ऊपर ऊपर लिखेंगे 2√6 - √5 और 3√5 + 2√6। चलिए नीचे देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए इसके बाद देख रहे हैं ऊपर इंटू करिएगा इसमें इसमें, देखिए ध्यान से, तो 3 × 2 = 6 और 6 × 5 हो जाएगा 30, 6√30 प्लस इसमें इससे करेंगे तो 2 × 4, 2 × 4 और √6 में √6 से आएगा तो 6, उसी तरह माइनस यहाँ देंगे या कुछ नहीं तो बाहर 1 है, 1 में 3 से करेंगे 3, √5 में √5 से करेंगे तो 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2√5 × 30। चलिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लगा है ना, तो इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 × 4 = 24। चलिए देखिए इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो 4√30 यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 6 × 24 अपन दिया 15, तो 24 में से 15 घटा दीजिए, 24 में से 15 घटेगा तो कितना जाएगा 9 ना, चलिए प्लस 9 बटा यहाँ देखिए यहाँ घटेगा तो घटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 21। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, यही भी आंसर हो जाएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।